फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बस आयत की ही तबीयत ख़राब है, बुखार जो उसे हुआ बस 4-5 दिन से। तो बस कल इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना सकी हूँ क्योंकि आयत की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, तो बस मैं उसी के लिए लगी हुई थी मुस्तकिल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है तबीयत, शुक्र है अल्लाह का। तो बस मॉर्निंग हुई है, नाश्ता किया है, कुलसुम आई नहीं है घर, बहुत फैला पड़ा हुआ है क्योंकि मैं कल से आयत के चक्कर में लगी हुई हूँ, तो घर पूरा फैला है, मैंने तो देखा ही नहीं बिल्कुल। किचन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अभी देखते हैं अल्लाह ताला आयत की तबीयत सही कर दें तो मैं कुछ करूँ। मैं 2 दिन से सैलून भी नहीं गई हूँ इसीलिए, क्योंकि आयत की तबीयत इतनी ख़राब थी। बस जो सारा दिन की रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर। तो बस अभी चल रही है मेरी सफाइयाँ, अब जिस दिन घर में होती हूँ उस दिन सारा दिन सफाइयाँ ही करती हूँ, और पूरी अलमारी फैला कर बैठी हुई हूँ। और कपड़ों का हशर देखें ज़रा, कितने कितने दिन से ईद के बाद से मैंने अपनी अलमारियाँ साफ़ नहीं की हैं। आज मैंने सोचा सारे काम इधर उधर करके सबसे पहले जो है ना मैं अलमारियाँ साफ़ करूँगी। देखें पूरा मैंने यहाँ पर फैला रखा है और आयत लेटी हुई है मोबाइल लेके। ये देखें आयु, और आजकल मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊं, यानी कि पाकिस्तान टूर वगैरह पे। इतनी बस मेरी कितने दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, फिर आयत सही हुई, फिर आयत की तबीयत ख़राब हो गई और अब आयत की तबीयत ख़राब है। तो बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से आयत ठीक हो जाए और मैं कहीं ऐसे ट्रिप पर चल जाऊँ जहाँ मैं कोई काम ना करूँ, बस वहाँ पर रिलैक्स करूँ जाकर। बस ऐसा पॉसिबल नहीं है सैलून के होते हुए बिल्कुल भी, लेकिन अभी मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं कहीं जाऊँ बहुत दिन से। बल्कि काफ़ी पिछले साल भी मैं कहती रह गई थी कि मैं पाकिस्तान टूर पर जाऊंगी सर्दियों में, लेकिन बनता ही नहीं है प्लान। लेकिन इस बार बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं कहीं, देखते हैं अब क्या होता है। इमरान से बोलूंगी भाई मुझे कहीं लेकर चले, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि कहीं जो है ना 15-20 दिन के लिए मैं कहीं जाऊँ ज़रूर। और मैं यहाँ कपड़े तय कर बना कर रख रही हूँ कपड़े की तय, और आयत यहाँ पर सारे मजाक में हंस हंस के सारे कपड़ों हटा रही है कपड़े। यू नो सारे कपड़े क्यों तय खराब कर रही हो कपड़ों की बेटा? मैंने इतनी मुश्किल से बनाए कपड़े बेटा, मम्मी को टाइम नहीं है ना, क्यों तंग कर रही हो? हाँ गाइस, कितनी गर्मी हो रही है आज, बहुत इतनी अजीब सी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल इससे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक आयत ने रो रो के मेरे सर में दर्द कर दिया, इतना रो रही है उसको, इतनी चिड़चिड़ी हो रही है बुखार में, और ऊपर से कुलसुम नहीं आई। पूरी सफाई कर रही हूँ, कभी किचन साफ कर रही हूँ, अल्लाह मेरा दिमाग दुख गया इतने काम, ऊपर से क्या नाम है गर्मी इतनी शदीद हो रही है, पसीना एक मिनट भी नहीं रुक रहा। सफाई कर रही हूँ और क्या नाम है सब चीज़ों को, पौधों को पानी तक आज आयत रो रही थी, उसके चक्करों में लग गई, लोगों ने देखा ही नहीं, इमरान और अयान घर को बिल्कुल देखते ही नहीं है। ये देखें कि ये नहीं कि आयत बीमार है तो कोई देख ले, पूरा किचन साफ किया है, सारे बर्तन ही बर्तन पूरा फुल हुआ हुआ था, तो अभी वहाँ की सफाई की तो यहाँ का पूरा उल्टा हो गया। ये सारे कपड़े दुपट्टे मैंने एक्स्ट्रा निकाले रखने के लिए, अलमारियाँ साफ की हैं पूरी, ये देखें इसमें ही पूरा दिन खर्च हो गया आज मेरा अलमारी में ही, और जबकि ये तो अभी अलमारी रह ही गई, इसमें तो अभी तो घुसे हुए हैं कपड़े, एक ये साफ की इसमें आयत की। अकेला बंदा अभी कभी भी कोई घर मैनेज नहीं कर सकती, इतना सर में दर्द हो रहा है मेरे कि अभी मुझे खाना भी पकाना है और जो है ना अब किचन ये सारी यहाँ की सफाइयाँ करी है तो बस कमरा उल्टा हो गया। भुजिया थी मेरे पास और ये गुआ की फलियों की भुजिया थी, दोनों की दोनों मैंने मिक्स किए और मैं चावल में डाली, चावल मैंने भिगो कर रख दिए। किचन अभी साफ करके गई हूँ मैं, कल से आयत के चक्करों में लगी हुई है, किचन फुल हो गया था बिल्कुल, और आज कुलथुम भी नहीं आई, कुलथुम पे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इतना। एक तो हम लोग परेशान, उसमें कभी मेरी तबीयत खराब, कभी आयत की तबीयत खराब, इस चक्करों में और कुलथुम छुट्टियाँ करे जा रही है, इसको मौका मिल गया कि बाजी आप होती नहीं हो, गेट खोलती नहीं हो, ये करती नहीं हो, वो करती नहीं हो, ऐसे कर रही है, कल आएगी ना इसकी छुट्टी करूंगी मैं, कि भाई अब रखना ही नहीं है मुझे जब मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। और आयत इतनी चिड़चिड़ी बनी हुई है, गोद से उतर ही नहीं रही है, इतनी चीखो बुखार आयत ने मचाई हुई है, मुझे एक घंटा पूरा आधा दिन अलमारियाँ साफ करने में लग गया, बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने बहुत गुस्से में ब्लॉग बनाया तो पता नहीं क्या क्या बोला है।
और एक तो गर्मी, ऊपर से लाइटों ने बुरा हाल किया हुआ इतना आजकल तो, मैं बस पता नहीं समझ लो मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, इतनी गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है कि अभी लाइट जाने का टाइम हो जाएगा, अब से जो लाइट जाएगी इतनी लाइट देर में आएगी लाइट के बस, उफ पता नहीं अल्लाह ताला गर्मी कम कर दें कब करेंगे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुझसे तो गर्मी में पागल होना शुरू हो जाती हूँ, बहुत गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है मुझसे बिल्कुल। सैलून जाओ वहाँ पर इतनी गर्मी, जाहिर सी बात है लाइटें वहाँ भी जा रही हैं और यहाँ, और यहाँ पर भी गर्मी और काम भी साथ साथ सारे करने हैं, ऊपर से तबीयतें खराब, वो सब भी। तो गाइस आप ही बताएं कि इतनी गर्मी में कोई खाना पका सकता है क्या? और अब ये समझ में नहीं आ रहा हर वक्त बाजार से भी नहीं आ सकता, कैसे खाना बनाएं, किचन में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, पसीना एक मिनट भी रुक नहीं रहा है, बस सारा मसला जो है ना गर्मी का है और किसी चीज़ का मसला नहीं है। बस मुझे जो है ना ऐसे शहर में रहना चाहिए, ऐसे मुल्क में रहना चाहिए जहाँ पर गर्मी ना हो, इतनी बुरी लगती है मुझे, बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल गर्मी। कैसे पता नहीं लोग अक्सर पंखे बंद करके भी बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे बैठते हैं। ये देख रहे हैं अभी करी है मैंने पूरी सफाई घर की, ये देखिए इतनी गर्मी में ऐसी कोई सफाई करे तो, इतनी गर्मी में बंदा कोई ऐसी सफाई करे तो वैसे ही बुरा हाल हो जाए, और ऊपर से खाना भी पकाना और बच्चों को भी देखना, उफ हम हाउस वाइफ भी बेचारियाँ, बहुत तरस आता है अपने ऊपर। बस चावल बहुत देर से भीगे हुए, मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि फिर खाना खाना भी है। ये मैं दिखा रही थी ना आलू की भुजिया और ग्वार की फलियां, दोनों मैंने मिक्स कर दी और इसमें मैं डाल दूंगी चावल। ये ना ये मैंने कहा कि जैसे मिक्स सब्जी वगैरह डालते हैं अक्सर हम चावलों में, तो इस तरह डाल के बना लेती हूँ और वेस्ट भी नहीं होंगे, दोनों खाने सही बन जाएंगे बिल्कुल। तो बस इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें और नमक डाला है मैंने, हरी मिर्चें डाली हैं बस और मैं कुछ नहीं डाली, सारी चीज़ें बहुत डली हुई, बल्कि आलू की कटली में थोड़ा सा मिर्चें तेज थी तो अब इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, बिल्कुल ठीक रहेंगी। अब इसमें डायरेक्ट बस मैं डालूंगी चावल जो मैंने वॉश करके रखे हैं, ये देखिए। पानी की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं हमेशा चावलों में पानी कम ही डालती हूँ ताकि चावल बहुत गीले ना हो, ड्राई ड्राई रहे। चावलों में कितना पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डलेगा इसमें। रेडी हो गई जैसे ही वीडियो बनाने शुरू करी लाइट ही चली गई है, तैयार हो गए हैं मज़ेदार से राइस। पता नहीं कितनी देर में आएगी, जैसे हम लोग खाना खाया भी अंधेरे में, और खैर हमारे बेडरूम में तो चार्जिंग फैन लगा हुआ है तो सही है, अभी यूपीएस फिलहाल हट गया हमारा तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। बहरहाल चावल बहुत मज़े के बने थे और पहली दफ़ा मैंने ग्वार की फलियों की भुजिया चावलों में डाल दिया आलू के साथ में, तो बहुत मज़े के दार बने थे, बस खा लिए शुक्र है अल्लाह का। तो
आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। यार आप लोग मेरे व्यूज इतने कम क्यों आ रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे, फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें मेरी वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।